आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए चक्कर काट रहे उपभोक्ता, ग्राहकों से की जा रही रुपयों की मांग। खाता खुलवाने का ठेका ले रहा जनरेटर बॉय, ग्राहक से रुपए मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। स्टेट बैंक की शाखा खैरगढ़ का है पूरा मामला। रोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैंक में खाता खुलवाने के लिए चक्कर काट रहे उपभोक्ता, ग्राहकों से की जा रही रुपयों की मांग। खाता खुलवाने का ठेका ले रहा जनरेटर बॉय, ग्राहक से रुपए मांगने का ऑडियो भी हुआ वायरल। स्टेट बैंक की शाखा खैरगढ़ का है पूरा मामला। रोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए चक्कर काट रहे उपभोक्ता, ग्राहकों से की जा रही रुपयों की मांग। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद, शराब के लिए सेल्समैन को मारी गई गोली, बाइक सवार तीन बदमाशों ने मारी गोली, पैसे लूटकर फरार हुए बदमाश, गोलीकांड के बाद लोगों ने घायल की मदद, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कोहडौर थाना क्षेत्र के सराय रजई का बताया जा रहा मामला। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद, शराब के लिए सेल्समैन को मारी गोली, बाइक सवार तीन बदमाशों ने मारी गोली। बड़ी खबर सामने आ रही है, पैसा लूटकर फरार हुए बदमाश। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या है पूरा मामला? एक शराब के लिए व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, पैसा भी लूट लिया जाता है, अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दें मामला ये जनपद प्रतापगढ़ के कोरोर थाना क्षेत्र के सराय रजनी बाजार के बाग का बताया जा रहा है, जहां शराब बेचने वाले व्यापारी पर कुछ बेखौफ अपराधियों द्वारा खुलेआम गोली मार दी जाती है। वहीं 15,000 की लूट का भी मामला निकल कर सामने आया है। वहीं सेल्समैन की बात करें तो सेल्समैन की हालत अभी तक नाजुक बताई जा रही है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार आपने यही देखा होगा कि प्रतापगढ़ में कहीं ना कहीं लगातार बदमाश इसी तरीके के कई देने में पूरी तरीके से कामयाब साबित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे साफ तौर पर साबित होता है प्रतापगढ़ में जो बेखौफ बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद है। ऐसे ही घटनाकारी करते वो तत्कालीन निकल जाते हैं और भुगतना ऐसे व्यापारियों को, ऐसे ग्रामीणों को पड़ता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़े थे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।